हमारे राज में 8.5 लाख गरीबों को हम आवास नहीं दे पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, उसने स्वीकृत नहीं किया, उसने हमारा गरीबों का आवेदन को स्वीकार नहीं किया। हम कई बार चिट्ठी पत्री भी किए, व्यक्तिगत रूप से जाके हमने अपनी बातें भी रखी, हमारा राज्य में गरीबों की संख्या बहुत है तो हमें और घर की आवश्यकता है, और उनके रिकॉर्ड बुक में भी इन गरीबों की संख्या है, लेकिन इन लोगों ने हमें उसकी स्वीकृति नहीं दी। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि झारखंड अगर हमारे हाथ में है तो हमारे झारखंड के गरीबों का भी जिम्मा और उनके प्रति भी संवेदनाएं हमें दिखानी होगी, इसलिए हमने उनका परवाह ना करते हुए राज्य सरकार अब 8.5 लाख उन गरीबों को अपने जिम्मे से उनका घर बना करके देगी। और वो भी 3 कमरा का घर बना के देंगे, जानवर रखने के लिए नहीं, आदमी रखने के लिए एक घर बना के देंगे, और उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। आज इस राज्य में खनिज संपदा से सबसे अधिक रॉयल्टी इस राज्य से भारत सरकार को मिलता है। हमारा जब हम लोग सरकार बनाए तो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य का पूरा खजाना चाट करके खत्म कर दिया। हमको समझ में नहीं आया कि हम काम कैसे करें, फिर हम भी मुंशी जैसा बैठ गए, कागज कलम बही खाता निकालने लगे। इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका होता है, कभी कोर्ट कचहरी जेल कराओ, डराओ धमकाओ, थाना पुलिस करो तो डर जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं कि अब आदिवासी उतना मूर्ख नहीं है जो आप उनको उतना समझते हैं। आज देश में ये धीरे धीरे अपना जगह बना रहा है, और उसी के अनुरूप 5वीं अनुसूची क्षेत्र का मात्र पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा है। छठी अनुसूची वाले जो पहाड़ी क्षेत्र में है, हिमाचल उत्तराखंड ये सब मिजोरम उस सब साइड में कुछ लोग हैं, वो पहाड़ी छठे अनुसूची का लोग है, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पहला ये आदिवासी आपके सामने खड़ा है। और इन लोग को कभी पसंद नहीं है कि आदिवासी दलित पिछड़ा कभी आगे बढ़े, इन्हीं का सरकार का हालत देख लीजिए। यही भाजपा वाला कमल छाप वाला लोग 20 साल चलाया सरकार, सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन किसी को 5 साल नहीं बैठने दिया। 5 साल बैठा कौन? छत्तीसगढ़ी आकर के 5 साल यहां सरकार चलाया। तो इन लोग को लगता है इस आदिवासी को भी 5 साल बैठने देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर यहां का आदिवासियों को समेटना बेवकूफ बनाना बहुत आसान नहीं होगा। तो हम इनको बता दें कि इस आदिवासी को कभी भी तुमने अगर बेवकूफ समझने का कोशिश किया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल रही है, और यही वजह है देश में आदिवासियों की लड़ाई सबसे मजबूती के साथ कहीं लड़ा जाता है तो झारखंड प्रदेश में ही लड़ा जाता है। आज कई कानून कई नियमों के वजह से हमें इतना तरीके से उलझा दिया है कि आज सरकार बनाने के बाद भी कई काम ऐसे हैं जो अभी हमें और करने की आवश्यकता थी, और तेजी से करने की जरूरत थी, लेकिन इतना इन लोगों ने 20 सालों में इस व्यवस्था में जंग लगा दिया। इन लोगों को तो हम लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन सत्ता में कार्यपालिका वही हमेशा चलता रहता है जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन कार्यपालिका के अंदर भी इन लोगों ने बड़े पैमाने में जंग लगा दिया। अब उस जंग को भी हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।